बैड बॉय यहाँ पे सेंटर ठीक है ना भाई भाई यहाँ पे थैंक यू चलिए बाइट करेंगे अरुण काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है एंड आपकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है तो आप लोग बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं पहली मूवी है डेब्यू मूवी है सो कितने एक्साइटेड होते हैं वो भी जब सक्सेस की बात हो रही है करेक्ट हम वेट कर रहे थे हमारी डेब्यू मूवी कभी बाहर आएगी एंड फाइनली इट्स आउट तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे गुड रिव्यूज़ मिले एंड एज न्यू कमर्स बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले तो हम बहुत हैप्पी हम बहुत ग्रेटफुल है। देखिए मुझे लगता है आज की तारीख में आपकी फ़िल्म बड़े पर्दे पे लग जाए यही अपने में सक्सेस होती है। मैं और अमरीन बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमारे प्रोड्यूसर ने इस हाल में भी हमें इतना प्रमोट किया इतनी बढ़िया तरह से इस फिल्म को रिलीज़ किया। ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स हमें पता था उस लेवल के नहीं होंगे लेकिन जो सबसे बड़ी सक्सेस है हमारे लिए कि हमने ये फिल्म रिलीज़ की और हम दोनों के काम को क्रिटिक्स ने ऑडियंस ने पसंद किया और उम्मीद है जो भी इस फिल्म को देखेगा इसके बाद कोई नए प्लेटफॉर्म में OTT पे तो आई होप दिस फिल्म विल ग्रो मोर बट हमारी खुशी सिर्फ ये है कि ये फिल्म सक्सेसफुली रिलीज हो चुकी है और जितने लोगों ने भी देखी है उन्हें फिल्म अच्छी लगी। करेक्ट एंड हमारे प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल इस मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाने में एंड आई एम ग्लैड उनको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए बिल्कुल उनके बिना हो ही नहीं पाता ये क्या बात कर रहा है यार तू है क्या बात कर रहा है यार लेकिन गाना आया है वो बहुत सारे रील्स बन रहे हैं आपने भी देखा होगा मूड ऑफ कर दिया इसने मेरा नहीं ब्रदर मैं देखने के बाद आपको और आपके डैडी को दोनों को मैसेज करने वाला हूं मुझे जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे जी तो गाना बहुत ही पसंद किया जा रहा है एंड बहुत सारे रील्स बन रहे हैं आपको तो बताइए कि क्या फील करते हैं पहली मूवी जब आती है सक्सेस के मौके पे तो हमें जब आपने बताया कि ये देखिए धमाका सेलिब्रेशन धमाका है हाँ ये सेलिब्रेशन मुझे तो लगा कोई गिरा वो हमारा वाला ही है अपना ही है इसको दे दे दे, दे उसको गाना हाँ, पहली मूवी गाना बहुत हिट हो गया है तो बताइए कि कैसे देखते हैं आप लोग आजकल लोग एक गाने एक हिट के लिए तरसते हैं हमारे सारे गाने हिट हुए हैं फ्रॉम तेरा हुआ अरिजीत सिंह सर ने गाया है देन हिमेश सर के सारे गाने हमारे मूवी में तो सारे सुपर हिट ही होने थे एंड देन जनाबे आली को सबसे ज़्यादा प्यार मिला मासिस से सबसे ज़्यादा प्यार मिला मास्टर से तो हम न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली सर गाने तो हमारे पहले ही हिट हो गए थे जनाबे आली जैसा अमरीन ने कहा वो तो मास्टर के साथ पहले ही हिट हो गया था नो प्रॉब्लम और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब एक फिल्म रिलीज़ होती है न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें क्रिटिकल रिस्पांस कैसा मिले इस मामले में मैं और अमरीन बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमें इतने स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ मिले हैं इसका क्रेडिट तो राजकुमार संतोषी साहब को जाता है जिन्होंने हमसे काम निकलवाया थैंक यू राज जी लेकिन गाने तो पॉपुलर है और मुझे लगता है ये फिल्म एक अंडरडॉग रही है और मुझे लगता है बैड बॉय की लाइफ अब शुरू हुई है इट विल ओनली कंटिन्यू टू एंटरटेन पीपल
इसके बाद अब क्या प्रेशर रहेगा आप लोगों के ऊपर कि नेक्स्ट क्या कुछ आने वाला है? आप लोग बताइए कि नेक्स्ट क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? डेफिनेटली ग्रीन एंड नमोशी जी जी हां जी हां जी प्रेशर तो है न्यू कमर्स का कि अपना मार्क बनाना है बॉलीवुड में सेकंड मूवी ऑफ कोर्स हमने इतनी बड़ी पिक्चर की है बैड बॉय जैसे तो प्रेशर रहेगा कि ये जो नेक्स्ट मूवी करेंगे हम उससे ज़्यादा बड़ी हो तो हमारी पूरी कोशिश है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक रिलीज़ के बाद आपको कुछ दिन मिलते हैं सोचने के लिए लेकिन क्योंकि रिपोर्ट अच्छी आई हम दोनों के काम की परफॉर्मेंस की जेन्युइनली लोगों को मज़ा आया है मैं बहुत जल्द आप सबको गुड न्यूज़ दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि अमरीन गुड की जगह वेरी गुड न्यूज़ एंड आई एम श्योर कि हम ज़रूर वापस आएंगे इसी साल विद आवर सेकंड फिल्म राज जी पहले बाइट कर लेते हैं पहले बाइट कर लेते हैं तो हम यही बात कर रहे थे सर कि जैसा कि नमोशी जी ने बताया कि आपका नाम क्या है अरुण कुमार अरुण कुमार कहाँ से कौन से चैनल से हम ANI से हूँ अच्छा सभी ने बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है नमोशी जी बोल रहे थे कि आज के टाइम पे हमारी न्यू कमर की फिल्म थिएटर पर आई है लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं गाने तो जैसे कि हिट ही है हमारे लिए इनके लिए बहुत बड़ी बात है आप कैसे देखते हैं आपने तो सिल्वर जुबली दिया है हमारी इंडस्ट्री को जो आपने बोला वही मैं भी देख रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि नए लोगों को लेकर थिएटर में फिल्म आई है और इसका काफ़ी श्रेय जाता है हमारे प्रोड्यूसर साजिद कुरैशी जी को कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है एंड खुशी की बात यह है कि जो भी लोग थिएटर में गए हैं वो खुश लौटे हैं बहुत ही सेटिस्फाइड लौटे हैं और तारीफ हुई दोनों की मतलब यंगस्टर के मतलब तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब जो मेहनत हमने किया है एंड मेहनत यही है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए पिक्चर लोगों को पसंद आई है एंड एक प्रमोशन बजट भी हमारा बड़ा होता नहीं है कम्पैक्ट बजट था हमारा जो हुआ है मुझे वेरी वेरी सेटिस्फाइड आप कुछ कह रहे थे कि आज जी आ गए हैं हाँ जी ऑफ कोर्स हैप्पी वाला मोमेंट है हाँ जी हमारी मूवी थिएटर्स में लग चुकी है बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं ऑफकोर्स राज जी ने अपना कमाल दिखाया है हमारे प्रोड्यूसर ने भी तो आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग है एज न्यू कमर्स आपकी मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुए जितना अप्रिसिएशन मिले एज न्यू कमर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल फिल्म जो है लोगों के लिए बनाई है हमने तो फिगर्स अपनी जगह पे हैं एंड एक कलाकार के लिए जब जो मैंने जो रियल जो क्राउड जो बाहर आते हैं या जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं फिल्म देख के अप्रिशिएट करते हैं वो मायने रखते हैं हमारे लिए मोर देन एनीथिंग एल्स तो वो हिसाब से वेरी सेटिस्फाइंग रहा है कुछ लोगों की शिकायतें ज़रूर थी कि शोज उतने शायद मिले नहीं हैं वगैरह जो मिलना चाहिए शो या करेक्ट शो मिले नहीं हैं बट जो भी है आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल हैव लाइक द फिल्म एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड नमोशीज वर्क एंड अमरीन्स वर्क अलॉट तो दे आर हियर टू स्टे एंड आई थैंक द मीडिया ऑल्सो कि मीडिया के भी मोर आर लेस 90% रिव्यू जो है पॉजिटिव रिव्यू आए सभी लोगों ने पसंद किया सर राजी आपसे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे जैसा कि फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं एंड जैसा कि चन्ना बेयाली गाना बहुत ही पसंद किया गया है सारे गाने बहुत पसंद हाँ अब ये जो नए बच्चे हैं इनके ऊपर आप नेक्स्ट क्या करेंगे अच्छा कोई प्रोजेक्ट लाएंगे थोड़ा सा जरूर अच्छा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं जरूर जो है जरूर करेंगे अच्छा लाएंगे आप क्या टिप्स देंगे इन्हें कि टिप्स क्या देना है अपने पाव इंडस्ट्री में अच्छा अभी ये बताइए टिप्स जो देना है वो यहाँ क्यों टिप्स दूंगा वो यहाँ यहाँ दूंगा ना मैं यहाँ भी दे सकते क्योंकि आपने उनको जो टिप देना वो लोगों के से क्या मतलब है अभी मैं ऐसे एक एक गाने बता सकता हूँ एक एक फिल्में बता सकता हूँ एक्टर बना बता सकता तो उसका क्या टिप्स दिया था क्या मैंने पहले वो पिक्चर आने से पहले टिप्स दिया था उसको मीडिया को बता सकते हैं कि नेक्स्ट कैसे करेंगे ऐसा कुछ एवरीथिंग शुड बी अ सरप्राइज आई एम श्योर दे विल डू वंडर बहुत अच्छा काम करेंगे एंड व्हाट टू से एंटरटेन करेंगे वापस लोगों को इसमें मुझे पूरा विश्वास है और मेरे जहन में भी कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ साजिद भाई से भी डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं तो बहुत जल्दी यू विल गेट एन अनाउंसमेंट ये अच्छा मैं ही करूँ ये अलग बात है लेकिन मेरे अलावा भी मैंने कई दूसरे प्रोड्यूसर से मैंने सुना है दे आर ऑल्सो वेरी कीन टू साइन बोथ ऑफ देम तो मैंने बोला चलो करो साइन करो करके जाते जाते अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जो आप जो इन फिल्में एंड गाने को बहुत पसंद मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जितने लोगों ने भी बैड बॉय देखी है जैसा राज जी ने कहा दे हैव एंजॉयड द फिल्म
एंड आई होप के वेन एवर दिस फिल्म कम्स ऑन OTT और एनी प्लेटफॉर्म हमारी फिल्म और लोग देखें, इतनी तो गारंटी है, जितने भी लोग ये फिल्म को देखेंगे उन्हें मज़ा आएगा. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं बस यही कहूँगी थैंक यू इतना सपोर्ट और इतना लव दिखाने के लिए हमारी मूवी पे, एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल बिकॉज हमारी मीडिया से हमारी ऑडियंस इतना प्यार इतना सपोर्ट मिला, एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू. सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी रिलीज के पहले भी लोगों से हमने कहा, मीडिया से भी हमने कहा कि फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म है और पूरी फैमिली जो देख कर आ रही है, बड़े बूढ़े बच्चे सब खुश होकर आए. बिल्कुल. अब बहुत दिनों के बाद में सबका यही कहना है एक साफ़ सुथरी फिल्म देखी है जिसमें कोई ऐसा लगता नहीं कि यार ये सीन कैसे गलत है या कुछ नहीं. एक्शन है पिक्चर में जितना ज़रूरी है उतना एक्शन है, लेकिन क्रूड वायलेंट एक्शन नहीं है कि आंखें बंद कर लें, वो हिसाब से रखा है. एंड पीपल आर एंजॉइंग, दैट इज़ मोर देन. सारी फिल्में हमें ऐसे ही देखते को मिलती है और ऐसे ही कोशिश यही रहती है. कोशिश यही रहती है. विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू जी सो मच. भाई वीडियो बनाना पकड़ हो गया ना. पकड़ आ जा आ जा पीछे आ जा तू पीछे आ जा पीछे आ पीछे आ पीछे आ ये सब के घर से वेट वेट सर दोनों.